दिवाली में बनाए जाने वाले नमकीन और मिठाइयों की श्रृंखला में हमने कई प्रकार के नमकीन की रेसिपी देख ली है अभी तक, तो अब हम देखेंगे मिठाइयों की रेसिपी। ओम नमो नारायण दोस्तों। मुंह में डालते ही घुल जाने वाले बेहद ही सॉफ्ट मतलब मुलायम बेसन के लड्डू की रेसिपी देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसन के लड्डू में डाला जाने वाला तगार या बूरा बना लेंगे। इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। वैसे आप पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ शक्कर ली है, इसे कढ़ाई में डाल दिया है। 2 कप भरकर मैंने पानी डाला है। इसे अच्छी तरह पिघलने देंगे। पहले धीमी आंच पर हम इसे कंटिन्यू हिलाएंगे। जैसे ही ये पिघल जाए तो आंच बढ़ा लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर पूरी तरह से पिघलने देंगे। जब ये इस स्टेज पर आ जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा बोरा या तगार बनकर रेडी है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे गर्म में ही हमें अच्छी तरह मिक्स करना है, वरना ये कड़क हो जाएगा और बाद में ये टूटेगा नहीं। ये देखिए पाउडर फॉर्म में कितना रवेदार ये बन गया है तगार। इसी तरह का हमें बनाना है, तो यही लड्डू में डलता है। आप इससे कई प्रकार के डिशेस बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 800 ग्राम्स घी लिया है। घी को हम कढ़ाई में डाल देंगे। तगार हमारा बनकर रेडी है। ये 1 kg मैं बेसन ले रही हूँ। पहले मैंने 1/2 kg लिया है, इसे डाला, इसे मिक्स कर लिया घी में। फिर वापस मैंने 1/2 kg और डाल लिया है। ये देखिए इस तरह से हम इसे डालेंगे और आँच को हमें एकदम लो रखना है और इसी पर हमें बेसन को सेकना है। मैंने ज़्यादा बेसन लिया है तो इसे सेकने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपका जल्दी आपके लड्डू जल्दी बन जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे चम्मच चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। इसे भून लेंगे। ये घी में अच्छी तरह भून जाता है। पहले ये गाढ़ा रहेगा, जैसे जैसे भुनेगा तो घी छूटेगा और ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। ये देखिए अगर आप इसे छोड़ेंगे तो ये नीचे से लग जाएगा, इसलिए चम्मच चलाते रहिए। इस तरह से चम्मच चलाते हुए हमें बेसन को सेकना है। बेसन सिका या नहीं इसे चेक करना हो तो मैं दिखाती हूँ इसे कैसे चेक करेंगे। ये देखिए हमारा बेसन कैसे सिक रहा है, घी छूट गया है। अगर आपको 800 ग्राम्स घी नहीं लेना है तो आप 700 टू 750 ग्राम्स ले सकते हैं। इसमें भी ये लड्डू अच्छे खासे बन जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे सेक लेंगे। आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं जिससे बेसन अच्छे कलर में दिखेंगे। इस तरह से हम बेसन को अच्छी तरह सेक लेंगे लो फ्लेम पर। ये सीख गया है तो हमें इसके कलर से पता चल जाता है। ये अच्छी तरह से सीख जाता है तो घर में महक भी आ जाती है। इस तरह से थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ये जो बुलबुले आ रहे हैं तो पता चल जाएगा कि हमारा बेसन सीख गया है। तो इस स्टेज पर हम इसका गैस बंद कर देंगे। इसे पूरी तरह ठंडा करेंगे। 2 से 3 घंटे में ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें अब डाला है इलायची पाउडर, थोड़ा सा जायफल पाउडर, नटमेग पाउडर और ये जो तगार हमने बना कर रखी है ये डालेंगे। मुझे 1 kg के लिए 1 kg तगार इनफ लगा है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी मतलब 1 kg 250 ग्राम्स डाल सकते हैं। पिसी हुई शक्कर ऐड करना हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी तगार और थोड़ी सी पिसी शक्कर। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे मिक्स कर कुछ देर के लिए छोड़ दिया था क्योंकि घी सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें डालेंगे ड्राई नट्स, किशमिश, बादाम, काजू, मगज के बीज और सनफ्लावर के बीज मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके लड्डू बांध देंगे। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लड्डू गोल गोल लड्डू बना लेंगे। जितने बड़े मात्रा जितनी छोटी मात्रा में आपको लड्डू चाहिए उतना आटा ले लीजिए, उतना ये बेसन का जो हमने घोल बना कर रखा है, बैटर बना कर रखा है, इसे ले लीजिए। आप चम्मच की हेल्प से लेना चाहते हैं मेजरमेंट के हिसाब से तो आप चम्मच से भी ले सकते हैं। मैं
मुट्ठी के हिसाब से ले रही हूँ, मुझे कितने बड़े लड्डू चाहिए उतने हिसाब से। ये देखिए इस तरह से रोल कर लेंगे और इसे गोल गोल बनाकर इसे रख लेंगे। इस पर हम काजू, किशमिश, बादाम या कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमारे बेसन के लड्डू बनकर रेडी है। ये काफ़ी नरम, मुलायम और मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। ये काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए इन लड्डुओं को और अपने घर में आने वाले मेहमानों को सर्व कीजिए। मैंने 1 kg घी लिया था, मीन्स अप्रॉक्सीमेट 800 grams, और इसमें पिसी शक्कर डाली है, मतलब तगार डाला है, और बेसन डाला है। तो ये 3 kg लगभग लड्डू बने हैं। ये देखिए मेरे इतने सारे लड्डू बने हैं। तो आप भी बनाइए।